हेलो गाइस, वेलकम टू फूडी कुकिंग रेसिपी। ये देखिए, आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। हर सब्ज़ी का अपना ही एक टेस्ट होता है। जो लोग नहीं खाते हैं बैंगन, वो भी बनवा कर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी बनाकर आज हम तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये मैंने बैंगन लिया है, इसे अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी। और साथ ही में प्याज और 3 बड़े आलू लिए हैं, इन्हें भी मैंने छील कर धो लिया है अच्छी तरह से। इस तरह से लंबाई में हम आलू को काट लेंगे। देखिए, प्याज को भी इसी तरह से स्लाइस में काट लेंगे। सारी प्याज को हमें फलीदार इसी तरह से कट कर लेना है। ये तो ये रेसिपी जल्दी से बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बन जाती है। आलू हमारे तैयार हो गए हैं कट कर, प्याज भी हमने काट लिए हैं। अब मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में सरसों का तेल मैंने डाल लिया है। रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा। अब ज़ीरे के साथ ही मैं डाल दूँगी प्याज। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज को और जीरे को, अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसका हमें कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा फ्राई ही करना है हमें। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। साथ ही में मैंने 3-4 हरी मिर्ची ली हैं, बीच में से हल्का सा कट लगा दिया है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। देखिए, फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। ये देखिए, अब प्याज जो है हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। इसी के साथ मैं टमाटर डाल दूंगी। 2 टमाटर थे मैंने लंबाई में कट करके डाल दिए हैं। साथ ही में मैंने नमक डाल दिया है 2 चम्मच। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और साथ ही मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है हल्का सा। सभी को मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बनकर बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जो हमने प्याज फ्राई की हैं, इन्हें हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना, अदरवाइज जो हमारी रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। जो प्याज है हमें हल्के से कच्चे ही रखने हैं इसमें। ये देखिए, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मसाले को भून लिए हमने। इसके साथ अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर बैंगन। अब बैंगन के साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी आलू जो हमने काट कर रखे हुए थे। सभी को मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। देखिए, ऊपर नीचे करके हम इसे मिक्स कर देंगे। मेरी सारी सब्जी को मैंने अब मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ग्रेवी हल्की सी, ये इससे रसीली बन जाएगी, रसमिसी सी अच्छी लगेगी खाने में। इसकी ना तो तरी बनेगी ना ही ये बिल्कुल सूखी बनेगी। आप चाहें तो बिल्कुल पानी नहीं भी डाल सकते। इसे मैंने ढककर रख दिया था 7 से 8 मिनट के लिए। अब मैं इसे हल्का सा हिला देती हूँ, बीच में से कड़छी को चला देंगे। अब 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर दोबारा फिर से पकने के लिए रख देंगे। एक बार बीच में से कड़छी ज़रूर चला दीजिए ताकि जो हमारी सब्ज़ी ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस 2 मिनट के लिए और रखेंगे। देखिए, 2 मिनट के बाद अब जो हमारी रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की नई नई रेसिपीज देखने के लिए अब हम इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने सर्व कर ली है। लेकर आएंगे इसी तरह की और नई नई रेसिपीज। तब तक देखते रहिए फूडी कुकिंग रेसिपी। बाय बाय।